आज के समय में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में सबसे ज्यादा लोकप्रिय साज गिटार है। शास्त्रीय और सुगम संगीत की इन दोनों पद्धतियों में इसका एक सा दखल है। युवाओं की भी पहली पसंद है गिटार, तो आज हमने आमंत्रित किया है गिटार के जादूगर राकेश आर्य को। मन के मौसम यूट्यूब चैनल में राकेश, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। राकेश, आपको याद होगा राजकुमार, जी दिलीप कुमार, देवानंद, वैजयंती माला, वहीदा रहमान, इन सब के जमाने में जब गाने का फिल्मांकन होता था तो नायक नायिका जी जी पियानो बजाते नजर आते थे, हाँ, बहुत 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 और उसके बाद राजेश खन्ना, ऋषि कपूर के दौर में गिटार के बिना गाने का रंग जमता ही नहीं था। वैसे तो सिर्फ हाँ, ये गिटार की अपनी आवाज बहुत मधुर होती है, जीवन के जी सारे मूड्स इसमें शामिल हैं, जिंदगी की लय के साथ जबरदस्त तालमेल है गिटार का। तो राकेश जी आर्य, आप बताएं कि आप गिटार से कैसे जुड़े? जी असल में म्यूजिक का एक्चुअली बचपन से ही शौक था। स्कूल में जब पढ़ते थे तब भी गाना बजाना करते रहते थे। टेबलों में हम लोग हल्के उसमें कभी कभी डांस भी पढ़ती थी, कुछ टीचरें देख लेती थी। लेकिन जी वो जुनून रहा। और मेरे घर में भी, मेरे बड़े भाई भी इंस्ट्रूमेंट मेरे घर में था, गिटार वो जी भी बजाते थे, लेकिन प्रोफेशनल नहीं बजाते थे, लेकिन घर में था तो कभी कभी मैं भी उसको ट्राई कर लेता था। लेकिन मुझे वो आया नहीं। मजे की बात ये रही कि गिटार मुझे आया ही नहीं, जैसे सब किसी और को नहीं आता, मैं भी एकदम उसको नहीं बजा पाया। तो मैंने फिर सोचा अब मैंने इसको नहीं बजाऊंगा, 6 महीने तक उसको बजाया ही नहीं। और एक बार मैं एक हमारे शहर में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें बॉम्बे का एक ग्रुप आया था, तो उसका मैंने एक टिकट लिया था 50 रुपए का। जी तो उसको मैं बालकनी का टिकट, क्योंकि सबसे सस्ता टिकट 50 रुपए का था उस जमाने में, तो मैंने वो ही लिया क्योंकि यंग थे। तो बालकनी से बैठ के, उनमें एक गिटारिस्ट आया था, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, वो इतना बढ़िया बजा रहे थे कि उनको देखना रहा। और मैं बालकनी से अच्छी खासी दूरी थी, और जो मैं वो उनकी आत्मा मेरे अंदर आई है। मैं जब घर आया तो मैंने गिटार उठाया जैसे वो, तो मैं वैसे ही बजाने लगा। तो सबको आश्चर्य हो गया कि जो 6 महीने से गिटार छोड़े हुए था, ये आज जैसे पता नहीं कहाँ से उसको कौन सी सिरप पी के आया है। तो वो मैं एकदम से बजाने लगा, मतलब मैं खुद भी इसको कहते कि भगवान का दिया। और वो मेरे गुरु एक तरह से वो हो गए जिनका मैं नाम नहीं जानता। वाह। हाँ, ये मतलब बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि यह आपको सच बता रहा हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं बजा पाया। और एक दिन में मैं तुरंत, लॉटरी लगती ना जैसे किसी की, वैसे मेरी लॉटरी हुई। जी उसके बाद मैं एच बसंत जी के संपर्क में आया। वो इतने गुणी इंसान हैं, अभी भी हैं, सबसे अच्छी बात हम लोग के लिए कि मैं उनके म्यूजिक में खोता चला गया। उनकी वजह से मैं म्यूजिक में की तरफ रुझान हो गया। मैं पढ़ने में बहुत तेज था और घर वाले भी नहीं चाहते थे कि इतना ही ना हो, लेकिन आ गया। तो बहुत दिनों तक तो घर वाले बोलते भी नहीं थे कि मतलब कि अरे कहाँ चला गया, हम सोचते थे इंजीनियर बनेगा, लेकिन जो होना होता है। लेकिन किस्मत से सब लोगों ने प्यार दिया और एक नाम हो गया, वरना मेहनत तो सभी करते हैं, तो मेरा भी इस तरह से एक नाम हो गया, मैं भी इस तरह से छा गया था। ये था इस तरह का, जी इस तरह सीखना शुरू हुआ मेरा। अच्छा राकेश जी, आपके पास गिटारों का बहुत अच्छा संग्रह है, तो जी, इतने गिटार आपके पास जो हैं, तो इनकी खासियतें भी क्या कुछ अलग अलग होती हैं? असल में ऐसा होता है कि गिटार भी आते हैं मेनली, तो गिटार दो तरह के आते हैं। एक तो आते हैं हवाई गिटार, जो कि मोहन भट्ट जी भी बजाते हैं और सुनील गांगुली जमाने में हुआ करते थे, अब तो नहीं। तो उसमें बजता था गाना, उसमें गाने बजते थे सुरीले। जी और जो दूसरा गिटार था वो होता था पीछे का बैकग्राउंड बजाने के लिए, जो हम लोग अभी बजाते हैं। तो जो सुरीला गाना बजाने वाला था उसको ये बड़े गुणी लोग चाहिए होते थे, जिनको गाने का सुर पता हो, फिर वो गाना पूरा बजा पाए। तो वो धीमे धीमे वो मतलब लेटा के बजाया जाता था, अपने गोद में रख के उसको, और ये खड़ा खड़े बजाते हैं इसको। तो ये कुछ फैशन में चल रहा, तो वो, और ये थोड़ा आसान भी होता था क्योंकि जी संगत थोड़ा बहुत भी सीख लेता बजाने, लेकिन गाना तो पूरा सीखना पड़ता था, तो इसलिए वो कम होता गया। उसके बजाने वाले भी अब तो खत्म ही हुए हैं, अब तो है भी नहीं। तो
ये गिटार चल निकला। फिल्मों में भी गिटार यूज हुआ तो लोगों ने कहा अरे इन गिटार में कहते तो ये है कि भजन में भी बज सकता है और गजल में भी बज सकता है, फिल्मी गानों में भी बज सकता है। और इसमें भी कई तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक गिटार होता है जी, तो जो वेस्टर्न टाइप के गाने होते हैं या विदेशों में तो वो सब उसी से बजते हैं इलेक्ट्रिक गिटार पर। एक होता है एकॉस्टिक जो सॉफ्ट गिटार होते हैं, और एक होता है ट्वेल्व स्ट्रिंग गिटार जिसमें 12 तार होता है, उससे म्यूजिक बजाई जाती है पीछे से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड। अब वो भी थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन ले देख के अब एक ही गिटार रह गया है जिसको 6 तार का बोलते हैं, एकॉस्टिक और इलेक्ट्रिक। तो युवाओं में यही चलने लगा क्योंकि ये तो कहीं भी आप लेके चले जाइए किसी भी महफिल में, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए या कहीं भी पिकनिक में चले जाइए तो ये आवाज भी करता है और मीठी आवाज करता है। तो इसके साथ हर कोई गा सकता है, इसमें रिदम इससे निकलता है और इसमें गाना भी निकलता है। अब तो ये दोनों ही काम, क्योंकि आदमी सोचता है ना कि एक ही में सब हो जाए बढ़िया, तो ये इससे ये चल निकला। अच्छा सेब भी कुछ ऐसा होता है कि बढ़िया हल्का सा इंस्ट्रूमेंट है, हम बजा रहे हैं समझा रहे हैं, तो इस तरह ये फेमस हो गया और सब आदमी यही चाहते हैं कि गिटार ले लें, गिटार सीखे क्योंकि अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, शोर भी नहीं करता, मीठा इंस्ट्रूमेंट है। जी तो बस इसी तरह से ये चलता है। और एक होता है बेस गिटार जो कि बहुत मेन जो गाने की बॉडी बनाता है, जैसे ढीम भूम जिस बेस के नोट होते हैं तो वो भी अच्छा गिटार होता है, वो भी एक हर गाने में वो जरूर बजता है। ये गिटार भले ना बजे उस गाने में लेकिन वो बेस गिटार जरूर बजता है क्योंकि नाम ही बेस है। जितने भी वेस्टर्न गाने हैं चर्चो हैं उनमें बेस गिटार का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब स्टीरियोफोनिक साउंड हुआ था तो जब बेस अच्छा निकलता तो हम लोग मतलब जो लोग नहीं जानते स्टीरियो के बारे में वो यही सोचते थे बेस निकल रहा है स्टीरियो निकल रहा है। स्टीरियो का मतलब ये होता था कि मतलब इतनी अच्छी आवाज आ रही है। तो बेस गिटार बहुत जरूरी है हर बात के हर म्यूजिक में। अच्छा राकेश, गिटार की कहानी तो हो गई, अब बात करते हैं गिटार के जादूगर यानी आपके। कोई भी बड़ा सुगम संगीत का कलाकार कंसर्ट के लिए उत्तर प्रदेश आता तो गिटार पर संगत के लिए सिर्फ एक डिमांड आती थी राकेश हरे की, चाहे वो जगजीत सिंह जी हो, पिनाज मसानी, अनूप जलोटा, सखावत हुसैन खान, तलत अजीज, राजेंद्र मेहता से लेकर बहुत लंबी फेरिस्त है ऐसे लोगों की, तो कुछ सुनाइए आपके अनुभव भी बहुत ज्यादा है। बहुत कुछ तो हंसे जैसे अनुभव है, जैसे पिनाज मसानी का कॉन्सर्ट होना था कानपुर में जी, उनकी जो करार है ऑर्गेनाइजर वो मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा कि आप खर्चा ज्यादा होता है, तो उनका तो मैं गिटार यहीं से दे दूंगा आपको, लखनऊ से राकेश आ रही है वो आपके साथ भेजा देंगे, आप अपना मत लाइए, तो आप पैसा उनका बचेगा। वो आ गए कि नहीं 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 हम तो अपना ही लेके आएंगे, अरे वो पता नहीं क्या होंगे कैसे होंगे। तो खैर उन्होंने कहा नहीं नहीं पिनाज जब वो बजाएंगे जैसे कॉन्सर्ट खत्म होगा आप उनका नंबर लोगे उसी समय, ये मेरी गारंटी है जी। तो ये बात आई गई हो गई, अब प्रोग्राम कानपुर के मर्चेंट चैम्बर हॉल में हुआ और जैसे ही खत्म हुआ उन्होंने कहा राकेश जी अपना नंबर लिखवा दीजिए। जैसे ही वो नंबर लिख रहे थे इतने में वो ऑर्गेनाइजर उसी समय पता नहीं कहाँ टपक पड़े और उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना फिलहाल तुमसे नंबर लोगे, तो वो भी मतलब वो भी देखती रह गई, मुझे भी अजीब हो गया कि मतलब हुआ तो मेरे लिए तो अच्छा ही था लेकिन ये रहा। और एक बार मैंने जगजीत सिंह जी के साथ बजाया था जी, तो वो तो भाई बहुत बड़े महान गायक थे और हम लोग का बजाना उनके साथ एक तरह से बहुत बड़ी बात है या एक खुशनसीबी भी है। तो वो रेंद्राने में प्रोग्राम था लखनऊ में, तो मैं गया, उनका गिटारिस्ट नहीं आया था, तो उन्होंने कहा भाई आप चेक तो कर ही नहीं आदमी को, तो मैं गया तो उनका गिटार खोलो खोलो गिटार, तो मैंने गिटार खोला, उन्होंने कहा कि कौन सा, तो मैंने कहा एक सुर दे दीजिए डी शार्प का ते ऐसे इन सुर का नाम होता है, तो उन्होंने एक सुर दिया, मैंने उसके 6 तार अपने उसी सुर से अपने हिसाब से मिला लिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 तार हैं और सुर एक दिया, तो अपने साथियों से कहने लगे ये लड़का बहुत सुरीला है क्योंकि 6 तार अलग अलग सुरों में मिलते हैं, तो ये इसने एक सुर से बाकी सब मिला दिए और सिर्फ 15 सेकंड के अंदर। तो उसके बाद मैंने एक
मिर्जा गालिब की उस समय गजलें चल रही थी, उन्होंने गाई उसमें, मैंने उसमें अपनी ट्रकिंग बजाना शुरू किया, उन्होंने मेरे गिटार को मैं हाथ लगा दिया, मेरी गिटार की आवाज बंद हो गई। फिर उनसे कहने लगे इसको, और मैं पसीने पसीने होगा कि इन्होंने मेरा गिटार बंद कर दिया। उन्होंने कहा अब तुम रख लो, अब तुम फिर स्टेज में बजाना, क्योंकि जो तुमने अभी बजाया है ये मैंने भी नहीं बजवाया है, तो मुझे अगर होता तो मैं ये उसमें भी बजवा देता, इस तरह का बजा देता, क्योंकि तुम अपने मन से ऐसे बजा रहे हो तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब तुम फिर तो मैं थोड़ा सा वो खुल गया, तो मैंने कहा नहीं देखिए आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, थोड़ा तो देख लीजिए। तो बोले नहीं नहीं अब तुम्हें कल लखनऊ में लोग सुबह फोन करेंगे कि तुमने बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छा तुम ही बजाओगे हमारे, हम लोग के आर्टिस्टों से भी अच्छा सुनोगे, कल तुम्हें लोग फोन करेंगे। अब बड़े आदमी है, उनकी उनकी बात का असर हुआ, तो उन्होंने स्टेज पर भी कहा देखिए लग नहीं रहा कि मैं इनको मुंबई से नहीं लाया, ये आपके शहर के हैं, और लग रहा है मेरे साथ ही बजाते हैं कई सालों से। और दूसरे दिन बड़े बड़े लोगों ने मुझे फोन किया घर में कि भाई कल तुमने इज्जत बचा ली, ये नाक ऊपर कर दी। तो अच्छा, और ये किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी रही कि मैं जिससे मिला उसके परिवार जैसा हो गया, ना मुझे किसी ने आर्टिस्ट नहीं समझा, सबके मैं एकदम घरेलू हो गया, बहुत जिनके भी जाता हूँ वो मुझे एज एन आर्टिस्ट नहीं लेते हैं, मतलब यही सोचते हैं कि राकेश है, राकेश आ गया, बस 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 आप कुछ नहीं होना, सब बहुत बढ़िया होगा, हंसी मजाक सब। तो ये मेरी भी किस्मत है, क्योंकि देखिए सब लोग बजाने में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, और बढ़ता कोई कोई है तो वो किस्मत बढ़ने वाली है हमारी, क्योंकि हमारे और लोग भी थे हैं बजाने वाले, जो कुछ तो मुझसे भी अच्छा बजाते थे जो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा नहीं समझता, तो वो पीछे रहते गए और मैं आगे आगे बढ़ता गया, लोगों ने पता नहीं कैसा सपोर्ट किया, औरों को छोड़ के मुझे लेने लगते थे। ये अनूप जलोटा जी के साथ भी आपके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं। अरे अनूप जी के साथ तो क्या साहब भी एक जिक्र मैं आपको बता दूं, मतलब बड़ी वो भी हंसी की बात है, 92 से मैं बजा रहा हूँ उनके साथ। तो पहले प्रोग्राम में हम गए थे बनारस में प्रोग्राम का, अब चले गए, उन्होंने कहा दिन में, उन्होंने कहा जरा देख लेते हैं गाना। अब वो जब वहां देख लेते हैं, हमने कहा ठीक है, उनके रूम में जा रहा गिटार निकाला, तो गिटार बजाने वाला एक होता प्लेक्टम, तो उसको पत्ती भी बोल सकते हैं, वो प्लेक्टम ही नहीं ले गया मैं। अरे अब मेरे पसीने पसीने की अब बजाऊंगा क्या, हाथ से थोड़ी बजेगा, अब देखिए क्या करें। अच्छा वहां मिल भी मिला, मिले तो क्या करे, वो दूसरे में तुरंत कहा उन्होंने कहा आओ कमरे में। तो उस जमाने 92 की बात बता रहा हूँ, तो उस जमाने में क्या हुआ, हम लोग साबुनदानी लेके चलते थे जिसमें साबुन होता है, उसमें ब्लेड से हमने उस साबुनदानी को काट के पत्ती बनाई। तो ये भी हमारे जीवन की ये, लेकिन क्योंकि करने का एक होता ना, और कोई होता तो शायद रोने लगता है या घबरा जाता है या कहता है अभी तो मेरे पास है नहीं, मैं बाजार से देखता हूँ, लेकिन मैंने तुरंत दिमाग लगाया और वो साबुनदानी को काट दिया और उससे बजाया, और जैसे ही पहले ही गाने में ऐसी वो मेरे तन में राम मन में राम जी गाया, तो पहली बार हम उनके साथ बजा रहे थे, पहली बार उन्होंने हमको देखा था 92 में। तो जैसे ही हमने बजाया, अरे कन्हैया बहुत बढ़िया बजा रहे तुमसे, अब जब जब हम लोग हंसी मजाक हुए तो हमने वैसा ये कि साबुदानी काट के बजा रहा हूँ, बोले अरे राके यार, इसको कहते हैं असली कलाकार, हमसे वो कहने लगे ये होते ही कलाकारी की। इस समय आप ये भी कह सकते थे कि सर अभी तो मेरे पास वो होगी, मैं खरीद लाऊंगा फिर आता हूँ, तो इसको कहते हैं कि कलाकार कितना सच्चा है और उसे काम करना है तो क्या भी कर सकता है। तो ये हमें, हालांकि हमने तो अनजाने में ही ऐसा करा, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ बड़प्पन के लिए कर लिया, लेकिन हमने उसको काम से निभा दिया। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि जो बजाने वाले हैं, हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, तो वो अपने काम के प्रति ये रहे कि मुझे काम करना है किसी भी तरह करना है, और अच्छी तरीके से करना है कि सामने वाले को पता ना लगे कि इनके पेट में दर्द है, इनके पास ये नहीं था, उनके पास वो नहीं था। ये बहुत जरूरी, आजकल के लोगों में यही एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत आ जाता तो ये कर लेते हैं। और मैं तो आज भी ये समझता हूँ, आजकल के भी कई लोग मुझसे, नए यंग लोग भी चाहते हैं कि मेरे प्रोग्राम में राकेश जी सर आप बजा देंगे तो हमारा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि किसी के बजाने से किसी का प्रोग्राम अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर कोई सम्मान दे रहा है तो हम हाँ कर लेते। फिर वो पूछते हैं आप कितना पैसा लेंगे, तो हम उनसे कहते हैं भाई देखो बजवा लो, अच्छा बजेगा तो जो तुम्हारा पैसा होगा वो दे देना, अगली बार जब होगा तो फिर हम अपना पैसा बताएंगे, क्योंकि अगर हम अभी बता दें
और तुम यंग लोग हो, पता नहीं तुम क्या कहो, तुम पैसा तो हमें दे दोगे लेकिन तुम कहोगे यार सर बजा नहीं पाया यार, पैसा हमारा वेस्ट हो गया, तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। अरे कह रहे अरे सर हो ही नहीं सकता क्या, हमने ये होती है कलाकारों वाली बात। तो ये है, और सब उससे भी बड़ी बात है जैसे मुझसे लोग सीखते हैं तो मैं उनको फ्री में सिखाता हूँ, तो बहुतों के तो घर में भी जाके बता देता हूँ, तो कम समय में मैं ज्यादा बता देता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा रहे कि पैसे की कमी नहीं रही, और पैसा तो ऐसा लालच होता है कि जितना मिल जाता है कम, लेकिन वो मुझे नहीं रहा कभी भी। शुरुआत से ही मैं एकदम से दूरदर्शन लखनऊ से जुड़ा, तो सारे प्रोग्राम में मैं ही होता था, मेरे लिए लड़ाई भी होती थी कि अरे आप तो उनको ही ले लेते हैं, और फिर वो हमसे कहते थे कि नहीं नहीं इस बार आप हमारा करिए, तो हमने कहा था कि हमें सपना तो आता नहीं है कि आप हमें बुक करेंगे, तो जो हमें पहले बुक करता है उसको हम हाँ कर देते, हम उसको कभी मना नहीं करते कि इस बार आपके और में नहीं करेंगे, क्योंकि हम इतने बड़े कलाकार नहीं समझते हैं आपको कि हम आपका प्रोग्राम नहीं करेंगे, हम छोटे काम भी करते हैं लेकिन हम अपना काम से ही, हमें ये नहीं मतलब कि कलाकार छोटा है बड़ा है, हम अपना काम उतना ही बराबर करते हैं जो म्यूजिक की सच्चाई होती है। अच्छा आप राकेश एक चीज आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम जानना चाहेंगे, सिर्फ देश में ही नहीं आपने तो विदेशों में भी काफी कार्यक्रम किए हैं, कुछ वहाँ के अनुभव भी बताइएगा। हाँ मैंने मॉरिशस में किया, तो मॉरिशस में इतना पसंद आया तो वो मुझसे कहने लगे कि आप कहीं सेटल हो जाइए, तो मैंने कहा मेरी अब शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा आप अपनी वाइफ को भी बुला लीजिए, बच्चे छोटी मेरी लड़की भी हो गई थी, तो उन्होंने कहा आप यही बुला दीजिए, हम आपको यहाँ पे घर भी दे देंगे, आपको मंथली पैसा देंगे, आप यही रह जाओ बस। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी कहाँ रहेगा, इतना शौक में था नहीं, तो मैं सेटल नहीं हुआ। इसके अलावा अनूप जी के साथ मैं हॉलैंड भी गया, सिंगापुर, बैंकॉक, दुबई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया गया, साउथ अफ्रीका गया, ICCR की तरफ से भारत सरकार भेजती है उनके थ्रू भी मैं गया, तो सबने बड़ा प्यार सराहा, और अधिकतर जगह से हॉलैंड वगैरह से आज भी जब मैं गया था और आज तक भी होली दिवाली में उनके न्यू ईयर में ग्रीटिंग आते रहते हैं, और वो इतने बड़े के होते हैं, हम लोग तो नहीं होते थे, तो हॉलैंड से आते हैं कि वो राके आइए अपने फैमिली के साथ, मैं टिकट भेजता हूँ उधर से आप आइए, तो लेकिन कभी ये भी लालच नहीं रहा भेजो हम आ जाते तो कभी हमने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं, आएंगे तो हम खुद आएंगे, क्योंकि देखिए एक बार अगर हम वो बुलाएंगे तो हमें भी तो बुलाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो हाँ वो ना सोचते हो कि हमें बुलाए, लेकिन वो इतना वो कलाकारों के लिए विदेश में लोग एकदम सोचते हैं कि मैं क्या कर दूं इनके लिए, ये बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा ये आपको अवध सम्मान भी मिला है पिछले अभी आज, ये भी बड़ी खुशकिस्मती की एक संस्था है यहाँ पे, तो उसने अभी 2019 में पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं, और सौभाग्य मेरा रहा कि इसमें मेरे साथ तो नहीं कहूंगा कि उनके साथ मुझे भी सम्मान मिला, जिसमें सर जी अनूप गुप्ता, नौशाद साहब, मुजफ्फर अली साहब, जितने मतलब उसमें 50 लोगों को मिला, 50 जो टॉप 80 थे उसमें से मुझे भी उन्होंने रखा, बल्कि मैं जब उन्होंने मेरा नाम कहा कि मैं आपको इसमें, तो मैंने कहा देखिए सर आप इसमें हमको ना दीजिए क्योंकि ये लोग के साथ हमारा बजाने का हसरत थी, तो जिनके साथ हसरत थी उनके साथ सम्मान पाना अच्छी बात नहीं है एक मुझे अपने दिल से लगता है, तो है नहीं जैसे मंदिर है भगवान का मंदिर है, आप कहें कि हम आपकी फोटो वहां लगाना चाहते हैं, तो ये मुझे ऐसे ही लगा कि ये तो भगवान लोग हैं, इनके साथ हमारा कोई वही नहीं है ना। हाँ हमने कहा आप जब दोबारा करें तब आप हमको भी दे दीजिएगा, तो वो बड़े खुश हुए कि कहने अरे नहीं भैया आप इतना कहते हैं तो सच्चे कलाकार हैं, हमने कहा नहीं आप सच्चे कलाकार के नहीं, वो होता क्या ये गलत बात है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जो एकदम टॉप लोग हैं, नौकार आप कहाँ और हम कहाँ। नहीं आपके अंदर आपकी पूरी बातचीत सुनते हुए मुझे यही लग रहा है कि एक सच्चे कलाकार के जितने गुण बताए जाते हैं वो सारे के सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए हैं, और इसी वजह से आपके जीवन की जो लय है वो एक से चल रही है,
उतार जी चढ़ाव सही है तो और आप। पुरस्कार सम्मान समारोह, इनसे कोई असर आपके व्यक्तिगत जीवन और स्वभाव पर नहीं पड़ा है इसका? नहीं, वो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि चक्कर क्या ना कि ये तो कला का है, किस दिन दिमाग खराब हो, किस दिन हम ना बजा पाए। देखिए रोज होता ना कि जैसे लाइट आपके घर में लगी है, बहुत बड़ी हवेली है और बहुत बड़े लखनऊ के सबसे बड़े आदमी आप हैं, अचानक लाइट चले गई तो आप भी अंधेरे में हो गए और गरीब आदमी भी अंधेरे में चल गए। तो मैं ये सोचता हूँ कि कब अंधेरा आ जाए, इससे अच्छा है दिया ही जला के चलो भैया, ज्यादा ना करो। क्योंकि म्यूजिक ही ऐसा ना कि मान लीजिए मन नहीं है और आपने गलत बजा दिया किसी भी, तो सारा तो धुल ही जाएगा। लेकिन जब तक हम डर के वहम में रहेंगे म्यूजिक के, तो हम सही रहेंगे हमेशा। जिस दिन ओवर आया कि अरे हम तो बजा ही लेंगे, वो गलत कहता है। सही अच्छा बात। कई बार ऐसा भी होता है कि कई कलाकार कहते हैं कि मेरा प्रोग्राम है तो मैं थोड़ा चाहता हूँ थोड़ी देर हम कुछ गाने आपको बता दें मैं क्या क्या गा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहला मैं ही कलाकार होता हूँ, मैं कुछ कहता हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल आप जितने गाने बजा गा रहे हैं मैं आके आपके साथ एक प्रैक्टिस कर लूंगा। फिर वो कहते हैं अरे नहीं नहीं सर आपको क्या आना, हमने कहा नहीं नहीं क्योंकि नई चीज है और उससे आपके हमें ही कुछ मिलेगा, हमारा कुछ जाएगा नहीं, तो वो बड़े खुश होते हैं। जबकि आजकल का क्या हो गया है कि लोग जैसे बुक भी करेंगे तो कहेंगे अरे अब हम वहीं मिलेंगे आपको स्टेज में, वहीं बजा देंगे। हालांकि वो अच्छा भी बजा देते रहेंगे, लेकिन जब एक चीज अगर आप ने पहले से सुनी है तो दोबारा जब आप सुनते हैं तो लगता है कि अरे यार इसमें तो कुछ और भी मैं कर दूं, है ऐड कर ना, सकते हैं, ये जोड़ सकते ऐड हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। तो मैं एक मौका ये मौका खोना नहीं चाहता कि मुझे कि बाद में ये लगे अरे वो जो बजाया था कल उन्होंने ये भी कर देते, तो मैं एक रिहर्सल भी उनके यहाँ ऐसी कर देता हूँ कि अरे करो करो करो, अरे बिल्कुल करो क्योंकि म्यूजिक ही तो कर रहे हैं। तो ये मेरी एक मतलब अंदरूनी वो है शौक अच्छा मुझे। राकेश, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि गिटार में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ मैं उनके लिए एक तो ये चाहता हूँ कि मेरे पास कई लोग आते हैं ऐसे कि वो पूछते हैं सर हम कितने दिन में गिटार सीख जाएंगे। तो मैं उन्हें कहानी बताता हूँ, जब मैं 6 महीने नहीं सीख पाया तो आप ये समझ लीजिए 6 महीने आप भी नहीं सीख पाएंगे। फिर आप हो सकता है किसी को देखें या हो सकता है मुझे को बार बार देख देख के सीख सीख के शायद आ जाए। तो ये युवाओं को ये है कि ये सोच के ना आए इसमें कि हम कितने दिन में सीख जाएंगे, आप शुरू करिए, हो सकता है आप बहुत जल्दी सीख जाए, और हो सकता है आप 6 महीने बजाने के बाद भी ना सीख पाए, फिर आप तबला सीख लें या आप गाने सीख लें। तो इसका कोई वो नहीं है कि हम ये सोच के कभी ना सीखें कि हमें ये सीख के कुछ करना है या मुझे इम्प्रेस करना है किसी को। तो म्यूजिक को एक संगीत को ऐसे ही लें या ये मैं सीख जाऊं तो कितना अच्छा हो, उसके लिए मुझे समय की कोई लिमिट ना हो, समय की लिमिट ना हो और तो वो आदमी जल्दी सीख जाएगा। और कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि सर ज्यादा नहीं सीखना मुझे, एक गाना सिखा दीजिए, क्योंकि एक गाना तो मतलब हम लोग अपने लिए बता रहे हैं, जो लोग अच्छे से बजाने वाले भी हैं वो भी एक गाना पूरा नहीं बजा पाते हैं, क्योंकि हम लोग बजाते ही नहीं है। जब जाहिर सी बात है जैसे आदमी कार चलाता है शहर में, तो कहा जाए तुम यहाँ से दिल्ली चले जाओ कार चला के, वो शहर में 1 महीने कार चलाता है लेकिन दिल्ली नहीं जाएगा, क्योंकि हम दिल्ली इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। इस तरह एक गाना भी तो एक बहुत दिल्ली समझ लीजिए जी, कि पूरा उतना प्रोडक्शन पूरा है बजाना पूरा, हाँ वो तो समझिए कि स्थाई अंतरा पूरा बजाना है उसका उसका और एक छोटा सा गिटार बजाना वो अलग बात, एक कोई गा रहा उसके साथ संगत करना अलग बात है, वो थोड़ा सरल है। लेकिन आप खुद ही पूरा गाना भी बजा दीजिए ये बहुत कठिन बात है। जी। तो अच्छा हल्की राकेश, हाँ जी बातचीत तो काफी हो गई है, अब हम चाहेंगे कि कुछ आपके बजाने का सैंपल भी दर्शकों तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे।
थैंक यू, धन्यवाद।